डर इंसान को कमजोर बनाता है। जी हाँ, डर अगर आपके पास है वह आपकी सफलता में बाधक बनेगा। डर से नकारात्मक सोच जन्म लेती है और डर को निकालिए। जब तक डर बना रहेगा आपके जेहन में तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। डर को निकालिए। जिस दिन डर निकल जाएगा आपके जेहन से, आपके दिलो दिमाग से, उस दिन आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। जी हाँ, डरना बंद करिए, आगे बढ़िए। अगर आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं, अगर डरते रहेंगे तो क्या आपके समस्याओं का समाधान हो जाएगा? यदि आप गरीब हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं। यदि आपके पास समस्या है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। और आप दोष देते हैं, मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, मुझे शिक्षा नहीं मिला, मेरे पापा के पास बहुत पैसा होता तो मैं आज डॉक्टर बन गया होता, मेरी मम्मी ने साथ दिया होता तो मैं ये कर लिया होता, मेरे रिश्तेदारों ने साथ दिया होता तो ये कर लिया होता, अरे मेरे ससुराल से दहेज मिल गया होता तो मैं कर लेता। कुछ नहीं कर पाते आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके बस का कुछ नहीं है। जो लोगों को दोष देना चाहते हैं आप लोगों को दोष देना बंद करिए, ये सारी कमी आपके अंदर है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं मैं कहता हूं अपनी सोच को बदल डालो। सोच, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने पीएचडी किया है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे पैसे की जरूरत होगी तो पीएचडी से पैसे नहीं आएंगे। अगर तत्काल जरूरत होगी, अगर मुझे जरूरत पड़ी, मैं बोरी लादने का काम भी करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर इस सर्वाइवल का, इट्स अ मैटर ऑफ आवर सर्वाइवल, अगर हमारे जीवन का प्रश्न बनेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमारी गरीबी कैसे दूर होगी, तो हमें क्या करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। कोई भी काम छोटा नहीं होता। यदि आज मैंने टाइम बेचा, ठीक है मैं कमजोर नहीं हूं, आज वक्त मेरा कमजोर है। जब मेरा वक्त कमजोर है कोई बात नहीं, कल बीत जाएगा, कल निश्चित रूप से बीत जाएगा। आप आगे आइए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन कब? जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे, तब उस हौसले के साथ, उस चट्टानी इरादों के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती है, दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती है। आओ तो सही, आगे बढ़ो तो सही। चाहे कहीं भी, अब ये गरीब आप हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से कोशिश नहीं किया। मैं जानता हूं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं गिरूंगा, मैं ठोकर लगेगा, बार बार असफल होऊंगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। मैंने कोशिश किया है, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, मैंने कोशिश किया है, मैंने उठाना है कि मैं देश से बेरोजगारी को खत्म करूंगा, और इसके लिए मैंने एक कदम बढ़ाया। अगर आपके कदम बढ़े, अगर मैं जो आज संदेश दे रहा हूं आपको, जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, अगर एक आदमी भी मेरी बात को समझ गया निश्चित रूप से, और उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इससे एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में आप समझेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, दुनिया में उसकी फीस लगती है, कंसल्टेंसी फीस लगती है, तमाम तरह की फीस लगती है, उसके बाद भी आपके साथ धोखा होता है। न यहां रजिस्ट्रेशन है, न यहां फीस है, न इसमें कुछ है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर इसका भी आप लाभ नहीं ले पाते हैं तो मैं ये कहूंगा ये आपका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, ये आपका दुर्भाग्य है कि आप इस चीज को नहीं समझ पाए। मैं आपको हर एक चीज आपको देना चाहता हूं, मैं आपको रास्ता बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए। मेरा स्वार्थ ये कही कि मेरे देश में बेरोजगारी शब्द नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए, और हम सब मिलकर काम करेंगे। और ये तभी होगा जब आपके हाथ में काम होगा, लेकिन जब काम नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। बेरोजगारी दूर भगाना ही मेरा मकसद है। मैं अगर आपसे संवाद कर रहा हूं तो मेरा मकसद है कि यह पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। न मैं हिंदू हूं, न मैं मुसलमान हूं, न मैं सिख हूं, न ईसाई हूं, मैं सिर्फ इस भारत का एक नागरिक हूं, और एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते मैं आपसे यह बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज मेरा परिवार बिखरा हुआ है और इस परिवार को मुझे समेटना है। इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं आप जरूर उठेंगे। उठो, कदम बढ़ाओ, अब भी बैठे रहो, अरे उठो मेरे भाई, अब तो उठो आगे बढ़ो। घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है घर बैठने से, और रोते रहना की समस्या नहीं खल होती है, गरीबी नहीं खत्म होती है, ये कभी नहीं खत्म होगी। उठो और ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे जीवन से गरीबी शब्द हट जाए, तुम्हारे जीवन से समस्या शब्द हट जाए, और इस देश से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हट जाए। इसी के साथ ही आप सबको जय हिंद, जय भारत।